हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो ये ई फरो स्कीम के बारे में। तो क्या है ई फरो स्कीम, ये हम देख लेते हैं। ई फरो स्कीम का मतलब है ई फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। देखो, ये हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिखी गई स्कीम है। इस स्कीम का मेन प्रावधान ये है कि हमारे देश में जो भी फॉरेनर आते हैं उनको एक्चुअली कई बार वीज़ा वगैरह का काफ़ी इश्यू होता है कि वो इंडिया में आ जाते हैं तो उनको अगर वीज़ा अपडेट करवाना होता है, एक्सटेंड करवाना होता है, तो उन्हें काफ़ी ऑफिस वगैरह में चक्कर काटना होता है। इसके साथ ही उनको इमिग्रेशन परमिशन वगैरह के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे माहौल में गवर्नमेंट ने ये रखा है कि भाई उनको सारा काम ऑनलाइन ही किया जा सके ताकि हमारे देश में जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो मतलब वीज़ा और इमिग्रेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको निपटाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, वो बनाया गया है ई फरो स्कीम के। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है ई फरो स्कीम किससे रिलेटेड वगैरह है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है ग्रीन को रेटिंग इनिशिएटिव के बारे में। देखो, ग्रीन को रेटिंग इनिशिएटिव है, यह एक्चुअली सीआईआई का एक इनिशिएटिव है। है क्या सीआईआई, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं, फिर हम इस आर्टिकल को पूरा देखेंगे। सीआईआई का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का मतलब ये कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है ना, मेन उन इंडस्ट्रीज ने अपने ग्रुप एक समूह बना रखा है, उसका नाम है सीआईआई। तो यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, क्योंकि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बॉडी का काम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इस बॉडी का काम ये है कि है मेनली जो इंडस्ट्रीज होती है ना हमारे देश में उनको रिप्रेजेंट करती है ताकि उनको रेगुलेट वगैरह करना हो, उनमें कोई भी आपस में इश्यूज वगैरह हो उनका आपस में समाधान किया जा सके। ये सारे काम इसके द्वारा मेनली किए जाते हैं, आपस में एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए। मतलब एक तरीके से कोई भी इंडस्ट्री के बारे में कोई बात रखनी होगी गवर्नमेंट के सामने कि भाई इंडस्ट्री बोले कि देखो हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इंडिया वगैरह में, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली सीआईआई है वो सामने आती है और सीआईआई है वो गवर्नमेंट के सामने आके बातचीत वगैरह करती है। तो ये सारा काम एक तरीके से रिप्रेजेंट ही इंडस्ट्री वगैरह को करती है। अब बात ऐसी है कि सीआईआई ने क्या काम किया है, ग्रीन को रेटिंग इनिशिएटिव वो स्टार्ट किया है। मतलब ग्रीन एक तरीके से ग्रीन रेटिंग देने का एक इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि ग्रीन को रेटिंग इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके बारे में भी पूछ सकती है स्टेटमेंट के थ्रू कि क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट की लिमिटेड कंपनी है वगैरह क्या है। अब इससे फायदा यह होगा कि हमारे देश में जो ग्रीन परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज किया जाएगा। इसके साथ ही इसका मेन फोकस है इस चीज़ पे रहेगा कि देखो एनर्जी एफिशिएंसी भाई कैसी है। इसके साथ ही जहाँ जिस भी कंपनी है, जिस भी इंस्टीट्यूट वगैरह को या फिर किसी भी घर वगैरह को अगर ही है ग्रीन को रेटिंग इनिशिएटिव रेटिंग देख रहा है तो उसमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को फोकस किया जाएगा, वहाँ पर जो एनर्जी सेफ्टी है उसको ध्यान में रखा जाएगा, किस तरीके से वेस्ट वाटर मैनेज है उसको किया जा रहा है, सॉलिड जो वेस्ट मैनेज है उसको भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। मतलब ऑल ओवर ये देखा जाएगा कि वहां पर भाई ग्रीन रेटिंग को किस तरीके से प्रमोट है वो किया जा रहा है, उसके आधार पे ही देखा जाएगा कि कितनी उन्होंने लाइट वगैरह कंज्यूम की है, एनर्जी एफिशिएंसी कितनी रखी है, उसके आधार पर उनको रेटिंग वगैरह वो दी जाएंगी। तो ये एक सीआईआई का एक इनिशिएटिव है, सीआईआई भी बॉडी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है डिफेंस एक्सपो के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि तमिलनाडु में अभी रिसेंटली इंडिया का डिफेंस एक्सपो है वो क्या इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था और प्रधानमंत्री उसमें पार्टिसिपेट अपना योगदान है उन्होंने वहाँ पे दिया था। अब बात ऐसी है कि जब डिफेंस एक्सपो हुआ था इस दौरान आईडेक्स एक स्कीम है वो सामने आई है। तो यह स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईडेक्स स्कीम का मतलब ये है कि हमारे देश में जो डिफेंस सेक्टर है इसमें इनोवेशन की हेल्प से डिफेंस एक्सीलेंस है उसको बूस्ट करना। मतलब सीधी सी बात यह है, नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, इन चीज़ों की हेल्प से हमारे देश में जो डिफेंस सेक्टर ना इसमें जो भी कुछ कमी है उनको दूर करना है। मतलब इनोवेशन के द्वारा हमें नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है और हमारे डिफेंस सेक्टर में जो भी कुछ कमियाँ रह गई हैं, नए इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने हो, नए व्हीकल्स वगैरह बनाने हो, नए रोबोट वगैरह बनाने हो या फिर नए मिलिट्री वेपन वगैरह कुछ भी बनाना हो तो उन सब का यूज है वो किया जा सके। इसके तहत ये किया जाएगा कि जगह जगह गवर्नमेंट क्या करेगी, इनोवेशन हब है वो बनेगी और उसके द्वारा फिर डिफेंस सेक्टर को बूस्ट है वो प्रमोट है वो करेगी। और इसमें एक ये प्रावधान रखा गया है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको भी फंड वगैरह गवर्नमेंट देगी और इसके साथ ही उनको फाइनेंशियल एड वगैरह भी दी जाएंगी। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारे देश में अगर डिफेंस सेक्टर में कोई भी फॉरेन की कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली 49% ही अलाउ है। मतलब फॉरेन की कोई कंट्री अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो उस वो केवल फॉरेन की कंट्री 49% का हिस्सा होगा उसका और बाकी 51% हिस्सा है वो केवल इंडिया की कंपनी का ही हो सकता है। मतलब स्वामित्व है जो ओनरशिप है वो इंडिया की कंपनी की होनी चाहिए, हमारे देश में क्लियर गाइडलाइन। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या डिफेंस सेक्टर में 100% FDI वगैरह अलाउ है या नहीं है, तो ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है।
इसके साथ ही इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसी के तहत जो डिफेंस एक्सपो होता है इसमें इस चीज़ का भी प्रावधान किया गया था कि भाई गवर्नमेंट है वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो बनाएगी इंडिया में, दो कहाँ कहाँ बनाएगी, एक तो तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कहाँ बनाने की बात है, तमिलनाडु और यूपी में सारे काम करने के लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आप चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आता है वो होता है सावेन के बारे में, SAWEN के बारे में, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क के बारे में। देख लेते हैं क्या बात है। देखो साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ जो इन्फोर्समेंट नेटवर्क है यह एक मेनली इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसका निर्माण किया गया था 2011 में पारो में, जो कि भूटान में, मतलब भूटान में इसका इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत निर्माण है वो किया गया है। काम क्या है इसका? इसका काम देखो यही है कि सीधी सी बात है कि जो वाइल्ड लाइफ होता है उसके प्रमोट करना, इसके साथ ही जैसे वन्य जीव की कई बार की तस्करी वगैरह होती है तो उनको रेगुलेट करना। देखो साउथ एशिया में आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, भूटान भी आता है, म्यांमार, मालदीव वगैरह ये सारी कंट्रीज उसमें आ रही हैं। तो अब सीन क्या है कि इस वाली कंट्रीज में हो क्या रहा है कि जो बाघ वगैरह हुआ या फिर जो और भी एनिमल्स हैं इनकी कई बार क्या तस्करी वगैरह होती है और ऐसे काफ़ी क्राइम वगैरह होते हैं, तो उन सबको निपटने के लिए स्टेप उठाए गए कि भाई साउथ एशिया की जो कंट्रीज है ना वो आपस में एक साथ मिलकर आएंगी, आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगी, प्लानिंग रखेंगी, इसके साथ ही इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगी। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि इसे रात को बॉर्डर वगैरह के थ्रू एनिमल्स का एक तस्करी वगैरह की जाती है, तो एक कंट्री को अगर पता चल जाता है तो वो दूसरी को इन्फॉर्म करेगी, देखो भाई आप वाले एरिया में ऐसे ऐसे रात को एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप उनके ऊपर लगाम वगैरह लगाइए। मेन मोटो साफ यही बात है कि साउथ एशिया में जो वन्य जीव है, जो वाइल्ड लाइफ है ना, उनसे रिलेटेड जो क्राइम है उनसे निपटना है और उसके लिए इसकी स्थापना है वो की गई है। भूटान में इसकी स्थापना है वो की गई है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुछ इसके बारे में न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक वर्ड है एक्चुअली इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इस पर यूपीएससी पूछ सकती है, वो है लेटर्स रोगेटरी के बारे में। क्या है लेटेस्ट रोगेटरी इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो थोड़ा कंटेक्स्ट डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल, तब और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। अभी आपको पता है कि रिसेंटली नीरव मोदी का केस आया था कि उन्होंने एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक को किस तरीके से 13,000 करोड़ के आसपास का चूना है वो लगाया था फर्जी एलओयू जारी करके। तो उसी दौरान ये एक्चुअली लेटेस्ट रोगेटरी वर्ड है ये सामने आता। लेटेस्ट रोगेटरी का मतलब ये होता है, ये मैंने तब जारी किया जाता है ये लेटर, जब देखो एक देश के जो न्यायालय होते हैं ना उनको अगर दूसरी कंट्री में कोई भी ऐसा अपराधी है उसके न्यायालय से अगर कोई काम करना हो, जैसे आपको पता है कि नीरव मोदी का एग्जाम्पल ले लो कि नीरव मोदी भी दूसरी कंट्री में चले गए, मान लो कि नीरव मोदी चले गए हैं यूके, नीरव मोदी यूके जाके शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने घपला उफला करके इंडिया से वहाँ चले गए। अब इंडिया आपको पता है कि डायरेक्टली वहाँ पे जाके उनके ऊपर एक तरीके से केस वगैरह तो कर नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि मतलब वहाँ पे अपनी मनमर्जी तो इंडिया चला नहीं सकता। इसलिए इंडिया कर क्या सकता है, इंडिया ये कर सकता है कि वहाँ के जो भी कोर्ट वगैरह है उनको लेटर लिख सकता है कि देखो भाई ऐसा ऐसा बात है, ये आपको हमारा एक काम है, हमारा एक अपराधी है वो आपके इस आपके एरिया में और उसने ऐसा काम किया, तो कृपया आप ऐसा मतलब इसके लिए जो भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाइए, मतलब एक लेटर जारी कर सकता है। उस लेटर को बोलते हैं लेटर सोगेटरी, मतलब एक देश के न्यायालय होता है ना वो दूसरी कंट्री के जो भी न्यायालय होते हैं उनसे कोई स्पेशल अगर कोई काम करवाना होता है उस कंडीशन में उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए लेटर सोगेटरी है वो जारी किया जाता है। इससे ये फायदा एक तो ये होता है कि दूसरी कंट्री की जो संप्रभुता है, मतलब उस कंट्री की जो अपने आप की जो वैल्यू वो भी बनी रहती है, उस कंट्री का ईगो भी ऐसे सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ऐसा तो नहीं कि इंडिया अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो इसलिए ये वर्ड अभी न्यूज़ में आया था, तो इस वर्ड के बारे में हमें ध्यान रखना है कि लेटर सोगेटी का मतलब है क्या, क्या अब यह जारी वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखते हैं। देखो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्ट करने की बात थी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ कमेटी वगैरह बनाई और उसके बाद गाइडलाइन वगैरह जारी की। अब है क्या मिशन वो हम देखते हैं। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी कोर्ट होते हैं ना उनका काम डिजिटल किया जाए, मतलब ई गवर्नेंस को प्रमोट करते हुए स्टेप उठा गया है कि भाई उनके भी उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनका रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो, इसके साथ ही जो वहाँ पे पेमेंट वगैरह करना हो किसी काम का वो भी ऑनलाइन हो, इसके साथ ही अगर कोई भी फाइल वगैरह जनरेट करनी हो वो भी ई फाइल हो, मतलब सारा काम ऑनलाइन हो किया जा सके, इसके लिए ही ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। किसने इसको स्टार्ट किया, कौन इसको इंप्लीमेंट करा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इंप्लीमेंट किया वो क्या गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा, NIC। देखो आपको पता है कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट या जो भी इस इंटरनेट वगैरह का सेटअप कुछ भी काम होता है वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, वो है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, वही रेगुलेट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की काफ़ी वेबसाइट है जैसे कि upsc.nic.in, तो जो NIC है वो एक्चुअली यही है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मतलब बात ऐसी कि UPSC की साइट है उसको भी NIC ही रेगुलेट करती है, उसको ही NIC वो चलाती है। तो सारे काम जो डिजिटल काम होते हैं इंडिया में वो मेनली NIC के थ्रू ही किया जाता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो देखते हैं क्या बात ऐसी है कि देखो इसका जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका निर्माण एक्चुअली 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। उस टाइम पे G7 कंट्रीज का एक शिखर सम्मेलन हुआ था और उस दौरान ये बात की गई कि भाई एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उसका निर्माण किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो 1989 के टाइम पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, मतलब एक कंट्री से पैसा है वो दूसरे कंट्री में इलीगल तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, काफ़ी इशूज ऐसे सामने आ रहे थे। तो उनसे निपटने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इसका निर्माण किया गया था। रिसेंटली इसके 37 मेंबर बन चुके हैं, इंडिया इसका मेंबर बन चुका है। इंडिया इसका मेंबर 2010 के आसपास बना था। यूपीएससी एयर वगैरह तो नहीं पूछने वाले, बट ये ध्यान रखना कि रिसेंटली नहीं बना, मतलब ऑलमोस्ट 6-7-8-9 साल हो चुकी हैं। अब इसके साथ इसका दूसरा काम ये भी हो गया आजकल, वो ये हो गया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ ये जो टेरर फंडिंग होती है ना उसको भी है कहीं ना करने की कोशिश वो करती है, क्योंकि टेरर फंडिंग में आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और आजकल न्यूज़ में यह इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि इसकी दो लिस्ट जारी होती हैं। ये मेनली दो लिस्ट है वो जारी करता है। कौन कौन सी दो लिस्ट? एक तो करता है ग्रे लिस्ट जारी और एक करता है ब्लैक लिस्ट। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग वगैरह के कुछ उस पर केसेज वगैरह लगे थे, तो यूएसए ने इसको ग्रीन जो लिस्ट है इसमें डाल दिया था, तो इसलिए यही न्यूज़ में भी था। तो यूपीएससी पूछ सकती है ऐसे घुमा के भी कि भाई पाकिस्तान उसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया, नहीं नहीं भाई पाकिस्तान को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में है वो डाला गया टेरर फंडिंग वगैरह के लिए। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो ऐसा नहीं किसी कंट्री पर लागू होते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर या फिर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वगैरह होता है, कोई कंपनी होती है उसके ऊपर भी इसके रूल रेगुलेशन है वो भी यहाँ पे लगते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने ई फॉरो स्कीम के बारे में डिस्कस किया था। ई फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक स्कीम है जिसके बारे में डिस्कस किया, जो कि ऑनलाइन वीजा वगैरह प्रोवाइड करवाती है फॉरेनर्स को। इसके साथ ही हमने ग्रीन को रेटिंग इनिशिएटिव को डिस्कस किया जो कि CII का एक इनिशिएटिव है। इसी के साथ डिफेंस एक्सपो के बारे में डिस्कस किया और एक आईडेक्स स्कीम है उसको देखा। बाद में हमने सावियम स्कीम को बारे में देखा। सावियम स्कीम क्या है? साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है जो कि भूटान में इसको बनाया गया था 2011 में। इसके बाद हमने लेटर्स और रोगेटरी के बारे में डिस्कस किया जिसका मेन मोटो ये था कि एक देश के जब अपराधी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो उस कंडीशन में एक देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो दूसरे देश के जुडिशरी को बोलता है कि भाई आप ही हमारा काम करके दीजिए, हमारे जो अपराधी है वो आपके एरिया में आ चुका है तो हमारे रूल रेगुलेशन आपके एरिया में तो लागू हो नहीं सकते, तो आप ही कुछ स्टेप है वो उठाइए। इसके बाद में ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है वो डिस्कस किया था जो कि NIC के द्वारा इंप्लीमेंट है वो किया गया है। और लास्ट में हमने FATF के बारे में डिस्कस किया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, जो कि हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब चलते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। जो स्नो लेपर्ड होता है वैसे ही क्लाउडेड लेपर्ड है। इसके बारे में आपको बताना है कि क्लाउडेड लेपर्ड है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, वो कहाँ पे है। आपको दो ऑप्शन बता रहा हूँ, पहला है वो है उत्तराखंड और दूसरा है मेघालय। तो देखो जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो एक्चुअली मेघालय का वहाँ का स्टेट एनिमल है और वो भी न्यूज़ में भी था, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्लाउडेड लेपर्ड है वो एक्चुअली मेघालय में पाया जाता है। तो UPSC इसके बारे में इस तरीके से स्टेटमेंट वगैरह के देखिए कुछ भी क्वेश्चन वगैरह मेनली पूछ सकती है। इसके बाद में एक आगे का एक जो क्वेश्चन है वो है एक्चुअली यहाँ पे NFRA के बारे में। NFRA है क्या? NFRA का मतलब है उसका मतलब है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण। तो इसके बारे में आपको बताना है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोजिटरी अथॉरिटी के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट इसका ये है कि यह दो देश के जो भी मतलब लेखा परीक्षण होते हैं उनकी निगरानी वगैरह करता है, उनको जांच वगैरह करता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं। पहला स्टेटमेंट यह है कि है देश के हमारे देश के जो भी लेखा परीक्षा स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं उनकी निगरानी करते हैं, उनको लागू करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो हमारे देश के गवर्नर होते हैं। NFRA है क्या? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो आपको इसके बारे में बताना है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के बारे में। तो देखो आपको पता है कि एक अथॉरिटी है, ऑब्वियसली नाम से तो समझ में आ गया, तो एक मतलब एक स्टेचुरी है, पहली बात तो ये होगी। अब हम दोनों स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, यह हमारे देश में एक्चुअली जो भी लेखा परीक्षण के स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं उनको एक्चुअली निगरानी मॉनिटरिंग करती है, उनको लागू वगैरह करने का काम इसके द्वारा
किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट था वो था कि आरबीआई इसके गवर्नर होते हैं, तो ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है, मतलब इसके हेड होते हैं आरबीआई, इसके हेड आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके हेड नहीं होते हैं, इसके जो हेड हो या चेयरपर्सन होते हैं वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट करती है। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पे ध्यान रखनी। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो महंगाई होती है उसकी वजह से इफेक्ट कौन कौन से पड़ते हैं, आपको तीन ऑप्शन बता रहा हूँ, इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन ये है कि महंगाई की वजह से सरकार का जो राजस्व है ना, सरकार का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि महंगाई की वजह से सरकार की जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, सरकार को जो भी पैसा चुकाना होता है लोगों को, वो कम हो जाता है। तो ये आपको बताना है कि गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। तीसरा है वो आपको बताना है कि जीडीपी है उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। ये तीनों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन वापस बता रहा हूँ, महंगाई की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला है कि सरकार का रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है, सरकार का मतलब खजाना बढ़ जाता है। दूसरा है कि सरकार की जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती हैं। और तीसरा वो है कि जो हमारे देश की जीडीपी है उसमें ग्रोथ रेट में अतिव्र वृद्धि होती है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट। देखो हम इसको बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ये जो सिस्टम वगैरह होता है। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, क्वेश्चन आपको बताना है जो सिक्वेंस है वो अरेंज करनी है। पहला है साइमन कमीशन, इसके बाद में है नेहरू रिपोर्ट, और इसके बाद में है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन हुआ था ना, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे। तो वो आपको ध्यान रखना है कब, क्योंकि गांधी जी ने पहले एक ही अध्यक्ष थे, मतलब गांधी जी एक ही कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे उस टाइम पे, जो कि एक्चुअली हुआ था। ये आपको भी बताना है, तो इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा होता है, उसके बाद में कौन सा, और उसके बाद कौन से ईयर में। तो देखो साइमन कमीशन है वो आपको पता है कौन से टाइम पे हुआ था, 1927 में एक्चुअली फाइनल आया था। इसके बाद में बात आती है नेहरू रिपोर्ट की, नेहरू रिपोर्ट है वो आई थी 1928 में, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है नेहरू रिपोर्ट। इसके साथ बात आती है कि गांधी जी का जो बेलगांव का अधिवेशन है उसकी, तो गांधी जी ने जो बेलगांव में अधिवेशन किया था, कर्नाटक में है बेलगांव, वो हुआ था 1924 में। तो इनकी सिक्वेंस अब आप आराम से अरेंज कर सकते हो, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन वगैरह है वो डायरेक्टली एक बार सामने पूछ लेती है, तो ऐसे क्वेश्चन वगैरह हमें थोड़े यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।